Dear students, good morning. Today we are going to start a new lesson, chapter number 3, the guitar player and swimmer, on page number 15. So you should open your books and read it carefully. Students, आज हम पेज नंबर 15 पर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे. इस चैप्टर में दो कहानियाँ, फर्स्ट द गिटार प्लेयर, सितार वादक, एंड सेकंड स्वेमर. इन ये दोनों ही कहानियाँ लेखिका सुनीति नामजोशी की पुस्तक फेमिनिस्ट फेबल से ली गई हैं. इन कहानियों में लेखिका सुनीति नामजोशी एक पितृ प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती हैं. वह लिंग असमानता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं को उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए. दोनों ही कहानियाँ बहुत ही विचारोत्तेजक हैं और समकालीन भारतीय समाज से अत्यधिक संबंधित हैं. फर्स्ट कहानी है द गिटार प्लेयर, सितार वादक. स्टूडेंट्स, इस कहानी में ये वर्णन किया गया है कि एक लड़की जो चाहती है कि उसकी प्रतिभाओं को, उसकी कुशलताओं को और उसकी कला जो उसके पास है उसे अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनकी पहचान होनी चाहिए. द गिटार प्लेयर, सितार वादक. ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार. एक लड़की अपने सितार को बजाती थी. एंड इट्स सो हैपन दैट समवन पासिंग बाय लिसन एंड फेल इन लव विद हर. और ऐसा हुआ कि किसी राहगीर ने उसे सुन लिया और उससे प्यार करने लगा. इज इट माई म्यूजिक यू लव, इनक्वायर्ड द गर्ल और मी. लड़की ने जांच पड़ताल करते हुए पूछा, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्यार करते हो या मुझसे. द म्यूजिक कंटिन्यूड. संगीत चलता रहा. वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रॉज इन टू द एयर एंड फेल अवे. फव्वारे से पानी हवा में ऊपर उठा और शांत हो गया. द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर. सुनने वाले ने गहराई से विचार किया और अंततः कहा, मैं नहीं जानता इसका सही जवाब क्या है. सेंट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट्स नॉट इट. लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं बताऊंगी लेकिन वह यह है नहीं है. एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग. और वह अपने गिटार को बजाती रही. सुन अनदर पासर बाई हैपन टू सी हर एंड आल्सो फेल इन लव. सिगर ही एक दूसरे राहगीर ने संयोगवश उसे देख लिया और वह भी उससे प्यार करने लगा. इज इट मी यू लव, इनक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार. लड़के ने जांच पड़ताल करते हुए पूछा, क्या ये मैं हूँ जिससे तुम प्यार करते हो या मेरी गिटार से. द सेकेंड पासर बाई स्टेड एट द गिटार, स्माइल्ड एट द गर्ल एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से. दूसरे राहगीर ने गिटार की तरफ एक टक देखा, लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और अंत में कहने का साहस किया, वेल आई डोंट नो. अच्छा मैं नहीं जानता. इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट. ये एक बहुत ही सुंदर
यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है? बट सी जस्ट सेड दैट वाजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, लेकिन उसने केवल इतना ही कहा कि यह वह नहीं था और अपने गिटार को बजाती रही। दैट टू पासरबाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों राहगीर अत्यधिक घबरा गए थे। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात गिटार का संगीत उनके सिर में बजता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, और जब वे अगले दिन वापस आए तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि उन दोनों ने अपनी कही जाने वाली बात को पहले से ही तैयार कर लिया था। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नॉट ऑफ म्यूजिक, पहले राहगीर ने घोषित करते हुए कहा, मैं तुम्हीं से प्रेम करूँगा चाहे तुम संगीत का स्वर न निकाल पाओ। एंड आई वुड लव यू स्वर द सेकेंड इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, और दूसरे राहगीर ने शपथ खाते हुए कहा, मैं तुम्हीं से प्यार करूँगा चाहे तुम्हारे पास अपना गिटार न हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया, तुम नहीं समझते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव, तुम मुझे मेरे किस रूप में प्यार करते हो? इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, यदि तुम बिल्कुल भी मेरे संगीत की परवाह नहीं करते हो। ओह दे सेड, अरे उन्होंने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, तो क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिया? यस रिप्लाइड द गर्ल, हाँ लड़की ने जवाब दिया। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, अच्छा तो इसका सही जवाब क्या है? यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, तुम्हें मुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए ठीक उसी रूप में जिस रूप में मैं हूँ, मेरी सारी प्रतिभाओं से, मेरी सारी वस्तुओं से और उस प्रत्येक चीज़ से जो मेरे पास रही है और अब से आगे रहेगी। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वे दोनों साथ साथ चिल्लाए। यस अग्रीड द गर्ल, हाँ लड़की ने सहमत होते हुए कहा। एंड चोज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और अवसर के अनुकूल एक दुखद छोटी सी धुन का चयन किया। स्टूडेंट्स अब इसके आगे कहानी दूसरी स्वेवर पढ़ेंगे। स्वेवर नामक कहानी महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है और इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पहले से ही निर्धारित की जाती है और यदि वह थोड़ी सी अधिक स्वतंत्रता चाहती है तो माता पिता और समाज के अन्य लोग नाराज हो जाते हैं। लोग अपने आप को महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ समझते हैं और अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी एक महिला
एक ऐसे व्यक्ति को अपना साथी चुनना पसंद करती है जो लिंग समानता में विश्वास रखता हो, उसकी प्रतिभाओं को महत्व देता हो और अपने स्वयं की कमियों को स्वीकार करता हो। Once upon a time, there was a little princess who was good at whistling. एक बार एक छोटी राजकुमारी थी जो सीटी बजाने में अच्छी थी। Don't whistle, said her mother. उसकी माँ ने कहा, सीटी मत बजाया करो। Don't whistle, said her father. उसके पिता ने कहा, सीटी मत बजाया करो। But the child was good at it. लेकिन बच्ची इसको बजाने में अच्छी थी। And went on whistling, और सीटी बजाती रही। Years went by, कई वर्ष बीत गए। And she became a woman, और वह एक महिला बन गई। By this time she whistled beautifully. इस समय तक वह बहुत ही अच्छी तरह से सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता अत्यधिक दुखी थे। व्हाट मैन विल मैरी ए विसलिंग वूमेन, सैड हर मदर डॉलफुली। उसकी माँ ने दुखी होते हुए कहा कि इस सीटी बजाने वाली महिला से कौन पुरुष विवाह करेगा। Well, said her father, we will have to make the best of it. उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम इसका हर संभव प्रयास करेंगे। I will offer half my kingdom and the princess in marriage to any man who can beat her at whistling. मैं उस किसी भी पुरुष को जो उसे सीटी बजाने में मात दे दे, उस पुरुष को शादी में अपना आधा राज्य और राजकुमारी भेंट में दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रक्लेम्ड, राजा के प्रस्ताव की विधिवत घोषणा कर दी गई। एंड सून द पैलेस वाज जम्ड विद सूटर्स विजलिंग, और शीघ्र ही महल सीटी बजाने वाले विवाहार्थियों से ठसाठस भर गया। इट वॉज वेरी नोइजी, वहाँ बहुत ही अधिक शोर हो रहा था। मोस्ट वर टेरिबल, उनमें से अधिकतर भयानक थे। एंड ए फ्यू वर गुड, और उनमें से कुछ एक अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन राजकुमारी उन प्रत्येक से अधिक अच्छी थी। एंड बीट देम इजीली, और उन्हें आसानी से मात दे थी। द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, राजा दुखी था। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, पिताजी चिंता मत करो। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, अब मुझे एक परीक्षा के रूप में निश्चित करने दीजिए और शायद इसका कोई अच्छा परिणाम निकल जाएगा। देन सी टर्न टू द सूटर्स, फिर वह विवाहार्थियों की ओर मुड़ी और कहा, डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें अच्छी तरह से मात दे दी गई थी। नो दे ऑल Rolled all except one. नहीं, उन सभी ने दहाड़ते हुए कहा, एक को छोड़कर सभी ने। We think it was magic or some sort of trick. हमें लगता है कि ये कोई जादू था या किसी प्रकार की चालबाजी थी। But one said, लेकिन एक ने कहा, Yes, yes, हाँ हाँ। He said, उसने कहा, I was beaten fairly, मुझे अच्छी तरह से मात दे दी गई थी।
द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई एंड टर्निंग टू हर फादर सी पॉइंटेड टू दिस मैन, और अपने पिता की ओर घूमते हुए उसने उस पुरुष की तरफ इशारा किया। इफ ही विल हैव मी सी सेड आई विल मैरी हिम, उसने कहा यदि वह मुझे रखने के लिए सहमत होगा तो मैं उसी से विवाह करूंगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है। इससे अगला चैप्टर अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक्स।